सर्वांगी सुंदर उठ सिंदूराची कंठी जगे माळ मुक्ता पळा. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बजे हुए हैं और यहां पर मैं देख रही हूं कि रात भर से लाइन लगी हुई है. हम कहां हैं? तो हम हैं मुंबई के लालबाग के राजा के यहाँ, गणपति बप्पा. ये सज्जन जो हैं वो अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करने के लिए लेकर के जा रहे हैं. और आप कितने दिन के गणपति? डेढ़ दिन. वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल आणि मी तुमचं स्वागत करते एक्सट्रीम रोडला. तो गणेश उत्सव का समय है और मैं महाराष्ट्र में हूँ. वैसे तो गणेश उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, बाहर भी मनाते हैं, बहुत सारे इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो भी मनाते हैं. लेकिन सबसे बड़ा भव्य और अद्भुत उत्सव का जो माहौल होता है वो आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र में. आज ले चलती हूँ उस अद्भुत महोत्सव के प्रारंभ में, जहाँ पर गणेश जी के बनावट से लेकर के गणेश जी का उत्सव कैसे मनाया जाता है और आगे चल के क्या क्या होता है. चला तर सगळे प्रारंभ करूया मुंबई मध्ये गणेश उत्सव चा हा अद्भुत अनुभव. इस गणेश उत्सव के प्रारंभ में बहुत सारे आर्टिस्टों का हाथ है, बहुत सारे कारीगर इसमें लगे हुए रहते हैं और उनकी कलाकारी के अद्भुत नमूने आपको गणेश जी के अलग अलग स्वरूप में दिखाई देंगे. क्या नाम है आपका? पाटिल जी. तो पाटिल जी जिस मूर्ति को सजा रहे हैं, मैं बताती हूँ वो मूर्ति कैसी दिखती है. वैसे दोस्तों, गणेश चतुर्थी का प्रारंभ कब हुआ था इसकी जानकारी तो कहीं पे भी नहीं है. लेकिन हाँ, इसे भव्य रूप में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शुरू किया था और उसके बाद लोकमान्य तिलक जी, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ब्रिटिशरों के अगेंस्ट ये उत्सव का प्रारंभ किया था जन जन और घर घर. कहीं पर वो नंदी पर विराजमान हैं तो कहीं पर वो बहुत अच्छे स्थान में एकदम रॉयल तरीके से बैठे हुए हैं और कहीं पे दोस्तों वो अपने मुशक पे होते हैं जैसे यहाँ पर. वैसे गणेश जी का रूप बहुत ही क्यूट है और यही क्यूट रूप लेकर के वो हर घर में पहुँच जाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन. जब तक इंसान है तब तक ईश्वर है और उसका अस्तित्व भी रहेगा. जब आप पैदा हुए और अपनी आंखें खोली तो सृष्टि सामने थी, साफ तौर पर उसे आपने नहीं बनाया. दोस्तों, आप देख रहे हैं लोगों का उत्साह और गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए उनकी मुस्कुराहट को देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है. तो ये है त्योहार महाराष्ट्र का. तो ये है त्योहार मुंबई में इतने वैभव अद्भुत तरीके से सेलिब्रेट होने वाला गणेश उत्सव. आज पहला दिन है और जैसे कि मैं हर बार पहले दिन की शुरुआत से ही आपको दिखा देती हूँ उस फेस्टिवल का व्लॉग. आप लोगों ने मेरे अमरनाथ की यात्रा तो देखी होगी, पहले दिन की थी. दर्शकांनो, आप सर्वांना माझा हार्दिक नमस्कार. आणि मला हे उत्सव पाहून स्वतः उत्साहित होता आहे मी. और वैसे हमारा इंडिया तो फेस्टिवलों से भरा हुआ है और फेस्टिवल की जो खूबसूरती होती है वो होती है इसी तरीके से. और वैसे भी इकोनॉमी चलाने के लिए फेस्टिवल का होना भी बहुत ज़रूरी होता है. ईश्वर शब्द बड़ा अभिव्यंजनात्मक है. सारी सृष्टि में जिसका ऐश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो, सृष्टि के हर कण में उसकी झांकी देखी जा सकती हो, वह कितना ऐश्वर्यशाली होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. दोस्तों, ये वो सेक्शन है जहाँ पर आपको प्रसादी मिलेगी, सोवेनियर्स मिलेंगे, तो आप यहाँ आकर के स्टॉल से ले भी सकते हैं. दोस्तों, जिस क्यू को हम क्रॉस कर करके आ रहे हैं वो क्यू जो है चरण स्पर्श की क्यू है, जो कि काला चौकी से है.
और मुख दर्शन के लिए दूसरी तरफ से जाना है। लेकिन आप यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, सारी ऊपर जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कॉर्डन, वही क्यों है जो कि चरण स्पर्श के लिए जाएगी। खैर, चरण स्पर्श का मतलब ये होता है कि आप गणेश जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं, जाहिर बात है। और मुख दर्शन का मतलब है कि कुछ डिस्टेंस से आप गणेश जी को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और फिर वो क्यों आगे बढ़ जाएगी। हाय, यू हैड अ दर्शन? यस यस, इट वाज अमेजिंग, वंडरफुल, हाउ ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड, गणपति बप्पा। दोस्तों, वैसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपको वॉलंटियर्स हर जगह पर मिलेंगे, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं कहाँ जाना है, कैसे, हमें किस तरफ से हम क्यों लगा सकते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। मोदक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। करता दुख हरता वरता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठिशनुराची। ओके दोस्तों, मैंने एक रास्ता आपको बताया चरण स्पर्श का, और ये दूसरा रास्ता है जहाँ पे से मुख दर्शन होते हैं। तो हमें अब दोनों रास्तों के बारे में पता चल गया, कैसे दिखते हैं दोनों रास्ते। वैसे मुख दर्शन का रास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, एज यूजुअल भीड़ बहुत है, दिखाऊं? और मेरे ख्याल से एज यूजुअल अमरनाथ तो आपने देख लिया था, श्रावण मेला भी आपने देख ही लिया था, और अब देखिए लालबाग के राजा का अद्भुत क्राउड। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो इस भीड़ को चीरते हुए कुंभ मेला, अमरनाथ और श्रावणी मेला, आपकी वैशाली ऐसे ही काम करती है, और इस तरीके से भीड़ में लोगों के साथ आनंद उठाते हुए दर्शन करना, इसका अनुभव कुछ और ही है, और इसकी फीलिंग जो है वो मैं इन लोगों के साथ आपको बता सकती हूँ। देखिए दर्शनार्थी किस तरीके से, कितनी श्रद्धा के साथ इस क्यू में आ रहे हैं, और यहाँ से दर्शन बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। लंबोदर पीतांबर पणिवर वंदना, सरल सुन वक्र तुंड त्रिनयना, ताश्रामाचा वाट पाई सदना, संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सर्वर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मुख। करता दुख हरता वरता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना। मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है। आपने मुल गई वैशाली,
कोशिश करूंगी कि जो मैंने आशीर्वाद लिया है वो आप सब तक पहुंच पाए। तो आपने देखा चंद्रयान 2 की पूरी थीम पर उन्होंने बनाया था, अंतरिक्ष दिखाया था, और देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया है, ये भी दर्शन करने के लिए आई थी लालबाग के राजा का, और सबसे पहले दिन। ओके दोस्तों, तो डेढ़ महीने का प्यारा सा क्यूट सा बच्चा लालबाग के राजा का दर्शन कर रहा है, और आज के अंतरिक्ष को देख करके वो आज के युग का नौजवान कल उठ करके कुछ अच्छा ही करेगा। धन्य थे आपने। आंटी ने मुझे आशीर्वाद दिया है क्योंकि भीड़ इतनी थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो मैंने उनको रास्ता बताया, लेकर के चल दी, तो वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आशीर्वाद की भरमार होती है मेरे लिए, तो जहाँ जाती हूँ ये देखिए, ये और एक है जो कि दर्शन करके आ रही है। आपने दर्शन कर लिए? हम भी गुजरात से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं, बहुत मजा आ गया हमको दर्शन करने का, हम हर साल आएंगे दर्शन करने के लिए। वाह वाह, उत्साह देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो www.extremeroads.com बचाना मत भूलिएगा, हम लोग ब्लॉग्स भी लिखते हैं उस पर, और मोदक खाते रहिए। लालबाग के राजा जो हैं वो 11 दिन के लिए लाए जाते हैं और 11वें दिन उनका गाजे बाजे के साथ विसर्जन होता है अरेबियन सी में। गणेश चतुर्थी के पावन दिन हर घर की ओर रुख करते गणेश जी का गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना करते हुए बप्पा मोरिया का नारा लगाए घर की ओर ले जाया जाता है। कहीं वे डेढ़ दिन तो कहीं 3 दिन, कहीं 5, 7, कहीं 10 तो कहीं 11 दिन के लिए विराजमान होते हैं, और उसी तरह पूरे गाजे बाजे के साथ जोश में उनके विसर्जन यात्रा की विधि भी होती है। देखने मिलेगा, अभी वो पर्दे में है। जावन, 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 जावन।